हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकांक्षा और आज हम आपके कंप्यूटर का चैप्टर फोटोशॉप बेसिक उसके आगे का वीडियो लेकर आए हैं। पहले हमने फोटोशॉप बेसिक में सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ा था और हम कंटिन्यू करेंगे विद ड्राइंग टूल्स। जिस तरह पेंट ब्रश में हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं पेंट करने के लिए या कोई भी फ़ोटो को क्रिएट करने के लिए शेप्स टूल्स होते हैं, उसी तरह से फोटोशॉप बेसिक में भी टूल्स होते हैं। फर्स्ट है पेंटिंग टूल्स। पेंटिंग टूल्स में आपके आता है द ब्रश टूल। इसके 4 ऑप्शंस होते हैं जो कि किसी भी इमेज को कलर करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ब्रश टूल, दिस टूल हेल्प्स अस टू ड्रॉ स्ट्रोक्स लाइक अ पेंट ब्रश। जिस तरह से हम पेंट ब्रश से कोई पेंटिंग करते हैं, ब्रश टूल को यूज़ करेंगे तो उसी तरह से हमारी इमेज शो होगी। पेंसिल टूल, जिस तरह हम पेंसिल से कुछ भी ड्रॉ करते हैं, पेंसिल टूल को यूज़ करेंगे तो उसी तरह से हमारी इमेज ड्रॉ होगी। कलर रिप्लेसमेंट टूल, ये जो कलर रिप्लेसमेंट टूल है ये यूज़ किया जाता है पर्टिकुलर कलर को दूसरे कलर से रिप्लेस करने के लिए। जब हम ऑप्शन को यूज़ करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो जो पॉइंटर है वो प्लस वाले साइन में कन्वर्ट हो जाता है। द स्टैम्प टूल, ब्रश टूल के बाद में हमारे पास आता है स्टैम्प टूल। ये टूल हमारे इमेज की कॉपी, अनादर कॉपी क्रिएट करने के लिए काम में लिया जाता है। स्टैम्प टूल भी 2 टाइप के होते हैं, क्लोन स्टैम्प टूल, एक पैटर्न स्टैम्प टूल। जो क्लोन स्टैम्प टूल है वो एज इट इज़ हमारा जो इमेज है उसकी पूरी की पूरी कॉपी करने के लिए काम में लिया जाता है, जबकि पैटर्न टूल में सिर्फ उस इमेज का एक पैटर्न क्रिएट होता है। थर्ड है द ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल्स हमारे जो बैकग्राउंड होता है इमेज का उसमें शेड्स देने के लिए काम में लिया जाता है। इरेजर टूल, यदि हमारा कोई अनवांटेड पार्ट है इमेज का उसको इरेज करने के लिए इरेजर टूल को काम में लिया जाता है। द ब्लर टूल, ब्लर टूल को हम इमेज के सेलेक्टेड किसी भी सेलेक्टेड एरिया को यदि हमें लाइटन करना है, उसे हल्का करना है, तो उसके लिए ब्लर टूल काम में लिया जाता है। अदर टूल्स, द टेक्स्ट टूल, यदि हमें इमेज में कोई टेक्स्ट टाइप करना है तो हमें टेक्स्ट टूल काम में लिया जाता है। द पेन टूल, टू सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ द लाइन इन रीशेप वी यूज दिस टूल, द पाथ सेलेक्शन टूल। दिस इज यूज टू सेलेक्ट द पाथ ऑफ एन इमेज, इमेज के पाथ को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। द आई ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर टूल यूज़ किया जाता है कलर सैंपल के लिए, कलर के जो कि किसी इमेज को हम के कोई सैंपल कलर है जिसे हमें बाद में भी उसे यूज़ करना है तो उसके लिए आई ड्रॉपर टूल यूज़ किया जाता है। जूम टूल, हमारे किसी भी इमेज को मैग्नीफाई करके देखना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। हैंड टूल, हैंड टूल को यूज़ करके हम किसी भी इमेज को यदि पर्टिकुलर एरिया पे लोकेशन पे जाके ड्रैग करना चाहें तो इसे हैंड टूल को यूज़ किया जाता है। फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर्स, फोटोशॉप में फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर का यूज़ है। जैसे कि फॉरग्राउंड कलर होता है किसी भी इमेज को हमें पेंट करने के लिए, फिल करने के लिए, और बैकग्राउंड कलर होता है उसको ग्रेडियंट फिल्स देने के लिए। जो डिफ़ॉल्ट फोरग्राउंड कलर होता है वो ब्लैक होता है और जो डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड कलर होता है वो वाइट होता है। टू चेंज द फॉरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, उसके लिए हमें फॉरग्राउंड कलर, चेंज द फॉरग्राउंड कलर पर क्लिक करना होगा। अपर कलर सेलेक्शन बॉक्स पे, जो टूल बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड कलर को चेंज करेंगे, देन क्लिक द लोअर कलर सेलेक्शन बॉक्स इन द टूल बॉक्स। उसके बाद हम जो भी कलर सेलेक्ट करना है उस पर से पिकर में से उसका सेलेक्शन कर लेंगे। हाउ वी वर्क इन फोटोशॉप, फोटोशॉप में कैसे वर्क किया जाता है। जब भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एक न्यू लेयर क्रिएट होती है। दिस मेक्स गिविंग इफेक्ट्स ईजियर बिकॉज वी कैन गिव डिस्टिंक्ट इफेक्ट्स टू ईच लेयर सेपरेटली। वी कैन सेव एंड ओपन फाइल्स इन सेवरल डिफरेंट फॉर्मेट्स इन फोटोशॉप। बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें हम हमारी फाइल्स को सेव कर सकते हैं विद डिफरेंट एक्सटेंशन, जैसे PSD, .PXT एक्सटेंशन हमारी फाइल्स, फोटोशॉप फाइल्स जो सेव होती है उसका .PSD एक्सटेंशन होता है। TIF, .TIF एक्सटेंशन फाइल, ये फाइल काफ़ी बिग होती है साइज में। बिटमैप, यदि हमारे पास बिटमैप इमेज बनाई है तो उसको .BMP एक्सटेंशन फाइल से सेव करेंगे। JPEG,
.jpg एक्सटेंशन JPEG फाइल के लिए सेव होता है और ये पुअर क्वालिटी का होता है। PDF .pdf एक्सटेंशन हमारी PDF फाइल को अडोब रीडर के थ्रू क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पेस बार फॉर मूव टूल, स्पेस बार को हम यूज़ कर सकते हैं टू मूव सेलेक्शन एंड शेप्स, हमारे किसी भी सेलेक्शंस को मूव करने के लिए या शेप्स को मूव करने के लिए। लेकिन ये स्पेस बार तब काम में नहीं आता जब हम टेक्स्ट टूल में कुछ टाइप कर रहे हों, तब स्पेस बार का जो यूज़ है वही यूज़ आता है। स्पेसिफाई मॉडिफायर्स हैं, जैसे स्पेस प्लस कंट्रोल एंड क्लिक टू जूम इन, और स्पेस प्लस ऑल्ट एंड क्लिक टू जूम आउट, जूमिंग इन एंड आउट। जो क्विक वे है किसी भी इमेज को जूम इन या आउट करने के लिए वो है होल्ड की ऑल्ट की को प्रेस करेंगे जब हम हमारे स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल व्हील को अप या डाउन करेंगे तो ऑल्ट की को प्रेस करके रखेंगे, तो ये हमारा इंस्टेंट वे है। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ में हम प्लस साइन प्रेस करेंगे तो जूम इन होगा और माइनस साइन प्रेस करेंगे तो जूम आउट होगा। यदि जीरो प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो स्क्रीन पर फिट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस वन प्रेस करेंगे तो 100% जूम होके हो जाएगा। अंडू एंड रीडू, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, यदि हमें हमारे जो लास्ट एक्शन है स्टेप बैकवर्ड में हमें यदि जाना है प्रीवियस एक्शन पे, तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे, और यदि हमें आगे एक स्टेप फॉरवर्ड जाना है यानी हमारे प्रीवियस एक्शन के ऊपर वापस से आना है तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे। यदि हमें डीसेलेक्ट करना है, यदि हमने कोई सेलेक्शन ले रखा है और उसे हमें डीसेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस डी यूज़ करेंगे। चेंज ब्रश साइज एंड हार्डनेस, ब्रश साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए जो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं वो यूज़ में लिए जाते हैं। जैसे कि यदि डिक्रीज ब्रश साइज है तो लेफ्ट वाला जो आपका ब्रैकेट होता है वो यूज़ किया जाता है, शिफ्ट के साथ में हम जब लेफ्ट वाला हार्ड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो जो आपकी ब्रश साइज है वो डिक्रीज होगी, और यदि हम राइट वाला करेंगे शिफ्ट के साथ प्रेस तो जो ब्रश साइज की हार्डनेस है वो इंक्रीज होगी। फिल शॉर्टकट्स, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस यदि हम प्रेस करेंगे तो फोरग्राउंड कलर फिल होगा, और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल होगा। शिफ्ट के साथ यदि हम बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो डायलॉग बॉक्स जो है फिल का वो ओपन हो जाएगा। इसी के साथ कुछ कलर पिकर शॉर्टकट्स भी हैं, जैसे डी, इससे रीसेट होता है आपका कलर पिकर डिफ़ॉल्ट कलर में, और एक्स, इससे स्वैप फॉरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर। सेलेक्टिंग लेयर्स, जनरली जो लेयर सेलेक्शन होता है वो ईजी होता है यूजिंग योर माउस, बट इफ़ यू एवर नीड टू रिकॉर्ड एन एक्शन विद लेयर सेलेक्शन चेंजेस वी विल नीड टू नो द शॉर्टकट फॉर सेलेक्टिंग लेयर्स। तो कुछ शॉर्टकट्स हैं यहाँ पर लेयर सेलेक्शन के, जैसे ऑल्ट प्लस जो स्क्वायर ब्रैकेट है लेफ्ट वाला तो सेलेक्ट द लेयर बिलो द करंटली सेलेक्टेड लेयर, और ऑल्ट प्लस राइट ब्रैकेट है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट तो सेलेक्ट द लेयर अबव द करंटली सेलेक्टेड लेयर, ऑल्ट प्लस कॉमा तो ये बॉटम मोस्ट लेयर सेलेक्ट करेगा, और प्लस पीरियड तो ये टॉप मोस्ट लेयर सेलेक्ट करेगा। तो आज हमने फोटोशॉप बेसिक के कुछ टूल्स और शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ा है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।